तो स्वागत है मेरी ऑनलाइन फैमिली ऑफ फाइल्स का हाउस एट मूवी के एक और नए ताजे एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बता दूं कि हाउस एट मूवी के एपिसोड्स में हम बात करते हैं मूवीज के बारे में, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि उस मूवी के बारे में मेरी क्या फीलिंग्स हैं, पर्सनल ओपिनियंस, और साथ ही साथ ये भी बताता हूं कि मुझे उसमें क्या पसंद आया और क्या क्या पसंद नहीं आया, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपको उस मूवी के अंदर अपना कीमती समय खर्च करना है या नहीं। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हैलोवीन 5 द रिवेंज ऑफ माइकल मायर्स के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल ही रहा है कि हैलोवीन 5 हैलोवीन फ्रेंचाइज की 5वीं किस्त है, और अगर आपको हैलोवीन 5 से पहले की हैलोवीन मूवीज के बारे की वीडियो देखनी हो तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी और नीचे लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उनको जरूर देख लेना, क्योंकि ये एक ही फ्रेंचाइज का पार्ट है, तो पहली मूवीज को समझने में और इस मूवी के बारे में समझने में भी आसानी होगी। अगर आपको हैलोवीन फ्रेंचाइज के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है तो हमारी हैलोवीन फ्रेंचाइज की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए आप मेरे चैनल पर जाके, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये हैलोवीन किस चिड़िया का नाम है। अब अगर बात करें हैलोवीन 5 के मेरी फीलिंग्स और मुझे क्या क्या पसंद आया क्या क्या पसंद नहीं आया उसके बारे में, तो हैलोवीन की सारी सीक्वल्स को लेके ना दो तीन तरीके के स्कूल ऑफ थॉट्स रहते हैं। पहला वो जिनका मानना यह है कि हैलोवीन 1 एक परफेक्ट मास्टरपीस थी और उसके आगे के सीक्वल्स की जरूरत नहीं थी और ना वो बनने चाहिए थे, और इसमें कई हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि हैलोवीन 1 के बाद के सारे सीक्वल्स हैलोवीन 1 की क्वालिटी के मार्क को छूते नहीं है, और ना छू सकते हैं, ना छू पाते हैं और ना ही छू पाएंगे। उसी में आता है हैलोवीन 5, जो कि हैलोवीन 1 के तो कहीं से कहीं तक भी करीब भी नहीं है बिल्कुल भी। और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है वो ये आता है कि हैलोवीन के सीक्वल्स जो हैं, अगर वो कुछ डिफरेंट करें, अगर वो बेहतर मूवी हो, अगर वो बेटर हो मूवीज, तो सीक्वल्स भी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीक्वल से। अब अगर बात करें हैलोवीन 5 द रिवेंज ऑफ माइकल मायर्स की, तो मूवी रिलीज हुई थी 1989 में, मूवी को डायरेक्ट करा है डोमिनिक जेरार्ड ने। मूवी की जो रेटिंग है रॉटन टोमेटोस पे वो है 13% फ्रेश, यानी कि ये तो बात क्लियर हो गई कि मूवी क्रिटिकली एक तरीके से फ्लॉप ही गई है। और रही बात फाइनेंशियली की, तो फाइनेंशियली इसने ठीक ठाक किया है, क्योंकि इसके साथ हैलोवीन का नाम जुड़ा था और साथ ही साथ इसके अंदर माइकल मायर्स है, जिसके नाम पे पैसे तो ये लोग पता नहीं 40 साल से कमा ही रहे हैं। अब अगर बात करें इस मूवी की उन चीजों की जो कि मुझे पसंद आई, तो उसमें सबसे पहले आता है इसके अंदर माइकल मायर्स है, तो ऑफकोर्स ये मूवी मुझे देखनी ही थी। और अगर आप भी एक भयंकर वाले माइकल मायर्स फैन है तो आपको भी ये मूवी देख लेनी चाहिए एक बार। इस मूवी के अंदर कई सारे कूल मोमेंट्स हैं माइकल मायर्स के, जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग और फन है देखने के लिए। इस मूवी के अंदर कुछ बहुत अच्छे किल्स हैं और साथ ही साथ कई सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स भी हैं। इस मूवी के अंदर कोई एब्सोल्यूट न्यूडिटी नहीं है, सॉफ्ट न्यूडिटी है, लेकिन वो एक पर्सनल चॉइस है। आप अगर बात करें उन चीजों की जो कि मुझे पसंद नहीं आई, तो उसकी लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है माइकल मायर्स का मास्क, जो कि पूरी फ्रेंचाइज का सबसे वाहियात मास्क है। इसकी शेप, इसका लुक, इसका हेयर स्टाइल, इसका कुछ भी अच्छा नहीं है। इस मूवी के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की डेथ को वेस्ट कर दिया गया, जिसकी इमोशनल डेप्थ को ढंग से एक्सप्लोर और ढंग से यूज नहीं किया गया एज अ प्लॉट पॉइंट। इस मूवी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन पोटेंशियल था, जो कि हैलोवीन 4 की एंडिंग से आया था, उसको पूरी तरह वेस्ट कर दिया गया, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इस मूवी के अंदर कई सारी एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं, जो कि हमें पता चल ही चुका है अभी तक कि माइकल मायर्स क्या क्या करने वाला है। मूवी के अंदर मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाए गए हैं जो कि सीक्वल्स में काम आ सके। एक लेम सी एंडिंग है जो कि सीक्वल के लिए है, सीक्वल को सेटअप करने के लिए। साथ ही साथ माइकल के कैरेक्टर के अंदर इनकंसिस्टेंसीज, जो कि कंसिस्टेंट है हर सीक्वल के अंदर, गूफी कैरेक्टर्स ताकि कॉमिक रिलीफ मिल सके। अगर आप बहुत ही भयंकर माइकल मायर्स के फैन है तो इस मूवी को एक बार देखना बनता है। अगर आप बहुत भयंकर फैन नहीं है और एक डिसेंट सी या एक बिलो एवरेज सी क्लासिक मूवी देखना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक अच्छी मूवी, एक बहुत ही बढ़िया मूवी विद ग्रेट स्टोरी, विद ग्रेट कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी उसमें से कहीं तक भी उस क्राइटेरिया में दूर से दूर तक भी नहीं आती है। इट इज नॉट अ गुड मूवी, इट इज अ बैड मूवी, बट इट इज नॉट अ अनवॉचेबल मूवी कंपेयर किया जाए बाकी फेमस हॉरर मूवी की फ्रेंचाइजेस की कुछ मूवीज से, जो कि बहुत ही वाहियात होती है, इतनी वाहियात होती है कि देखी ही नहीं जाती। ये मूवी वैसी नहीं है, इसको देख सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं।
लेकिन ये मूवी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट या बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो बस उसी चीज को मन में रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आपको मूवी देखनी है या नहीं। तो बस यही थी वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, फॉलो करो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर, और सब्सक्राइब करके बन जाओ हमारी ऑनलाइन फैमिली सिनेफाइल्स का हिस्सा, जो इस मूवी का सिनेमैटिक स्टोरी का एपिसोड है बहुत जल्द आने वाला है, और आपको अगली मूवी यानी कि हैलोवीन 6 की वीडियो भी बहुत जल्द मिलने वाली है। हमारी जो सिनेफिलिक फैमिली है वो ग्रो करती जा रही है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबका, और बहुत ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ कि आप इस फैमिली के हिस्से बने। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करना। चल रिकॉर्ड में।